करेंगे अगली खबर की। खबर दिल्ली के मंगोलपुरी से है, जहां कार में बनी गुप्त कैबिनेट में ड्रग छुपाकर सप्लाई करने वाले एक शातिर ड्रग सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर अजमेर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसके बाद ड्रग पैडलर की चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया और कब्जे से करीब 51 किलो से ज्यादा फाइन क्वालिटी की गांजा बरामद की गई। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के साथ ड्रग सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी जगह जगह छापेमारी करनी शुरू कर दिया, जिसको लेकर हमारे संवाददाता भरत ने डीसीपी परविंदर सिंह से बातचीत की। दिल्ली के बारी जिला स्पेशल स्टाफ को मिली है बड़ी कामयाबी। ड्रग पैडलर समेत भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई है, जिसको लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डीसीपी परविंदर सिंह जी, जो इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उनसे। नमस्कार जी। स्पेशल स्टाफ ने एक स्पेसिफिक इनपुट पर काम करते हुए एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया था। इस गाड़ी पे जो इन्फॉर्मेशन थी कि इस गाड़ी में कुछ कॉन्ट्रावेंड सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन इनिशियल पड़ताल में उसमें से कोई भी सस्पिशियस आइटम रिकवर नहीं हुआ। जो चालक था उससे जब फिर से पूछताछ करी गई, तब उसने दौरान पूछताछ बताया कि उसने एक सीक्रेट कैविटी या कंपार्टमेंट बना रखा है इस गाड़ी में, और उसकी उसने लोकेशन दिखाई, जो पीछे की सीट जो पैसेंजर सीट है उसको हटाकर ही उजागर होता है। उस कैविटी में से 51 किलो से अधिक मात्रा में गांजा रिकवर हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है मार्केट में। ये सज्जन जो हैं, ये पवन कुमार के नाम से इनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हुई है। ये यहाँ निलोठी एक्सटेंशन चंद्र विहार एरिया के रहने वाला है। अभी ये लड़का कोई काम नहीं करता, और ये कुछ समय पहले ड्रग पेडलर्स के संपर्क में आया, जो इसने अपनी पूछताछ में बताया। उन्होंने इसको एक शख्स से मुलाकात करवाई, जिससे कि इसने ये डिलीवरी ली है वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। तो इसके कंड्यूट्स जो हैं यहाँ कौन कौन हैं इसके साथी, और उसके अलावा जहाँ से कंसाइनमेंट लाया वहाँ कौन कौन इसके साथी हैं, उनके बारे में अभी पूछताछ और पड़ताल जारी है। आगे भी इस प्रकरण में निश्चित है कुछ ना कुछ गिरफ्तारियाँ और होंगी। सर, जो ड्रग्स बरामद हुआ है उसकी कीमत क्या होगी? सर, ये लगभग 4 लाख रुपये कीमत है इसकी मार्केट में। तो आपने सुना, हमारे साथ इस समय मौजूद थे डीसीपी, जिनका साफ साफ कहना है कि उन्होंने इस ड्रग को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं करी जाएगी। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी 51 किलो की मात्रा में ड्रग मिलना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित हो रहा है। अपने सहयोगी विजय सिंघाल के साथ भारत भूषण, के न्यूज़ इंडिया।